गाइस आप देख सकते हो मैं मेडिसी एरिया में आई हूँ और सुबह के अभी 6:30 बजे 7 बजे ना था तो उनका कॉल आया था मुझे एक सांप बहुत मोटा सांप बड़ा पड़े तो आप गाइस देख सकते हो ये ग्रास स्नेक है बिना जहर वाला सांप होता है ये भी काटता है लेकिन काटे तो कुछ होता नहीं है शायद देख सकते हो आप कैसा है तो दोस्तों आप देख सकते हो वो कैसा दिखता है ऊपर से पूरा ग्रीन कलर का है और नीचे से वाइट कलर का है जब ये छोटा होता है उसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के पट्टी दिखाई देते हैं आप सिर के ऊपर भी देख सकते हो वाइट कलर का थोड़ा थोड़ा है अभी भी और इसको शायद तो कुछ लगा था कुछ टाइम पहले अभी ठीक हुआ है लेकिन उसका निशान है वहाँ पे थोड़ा सूजन है ये भी काटता है लेकिन उसको महसूस हुआ कि उसको खतरा है तो ये सांप भी काटता है लेकिन होता कुछ नहीं है एक टिट्टी का इंजेक्शन सिर्फ लेना पड़ता है तो मराठी में इसको गौत्या सांप इस नाम से जाना जाता है और नहीं तो आप उसका टेक्सचर देख सकते हो ठंडी का मौसम है तो शायद खाने के लिए निकला होगा बाहर तो यहाँ पे आके वो छिप गया आप ऐसा उसका टेक्सचर देखो तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको अगर खतरा महसूस हुआ तो ये नाक की तरह फन निकाल के देखता है जैसे कि इसको नाक हिरवा नाक भी बोलते हैं लोग देख सकते हो दावरती पिल्लू वाती ना पिल्लू ये इकड़े चल ये इकड़े जा 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 देख सकते हो बच्ची भी है जा दावरती लाली लाली दे दे करता नहीं है काटता है लेकिन इसके काटने के प्रमाण इतने नहीं है डर लगा तो ही काटेगा बहुत शांत स्वभाव का सांप होता ही है ये देखो देख सकते हो ठीक है हम इसको गाबर ले ना पिल्लू तू देखो बच्ची ने भी उसको हाथ लगाया तो आप समझ सकते हो कि कुछ करता नहीं है वैसे लेकिन जानवर है कुछ कह नहीं सकते उसको डर लगा तो वो काट भी सकता है तो ठीक है हमने रेस्क्यू किया है अभी इसको फॉरेस्ट में जाके रिलीज करेंगे तो गाइज मैंने अभी एक सांप पकड़ा था एमआरडीसी में तो आप देख सकते हो कैसा है इसको मराठी में गौत्या सांप इस नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में ग्रीन किलबैक इस नाम से जाना जाता है तो ये बिना जहर वाला सांप होता है तो देख सकते हो आप कैसा है तो देख सकते हो आप वो चला जा रहा है ऐसे ही नेचर की हेल्प करिए ठीक है।